तो कोका भाई डी कैसे हो यार। तो भाई लोग आज हम बात करेंगे आईफोन के बारे में। सो भाई लोग जैसा आप लोगों को पता होगा एप्पल ने अभी हाल ही में मार्केट में अपना नया आईफोन लॉन्च किया है। ओ भाई नहीं आईफोन वालों सीरियसली पूछना चाहता हूँ, दो ही तो किडनी है, कितने बार बिकवाओगे? शर्म करो रे सालो। नहीं सीरियसली पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता ये हर साल सेम फोन निकाल के उसके नाम क्यों बदल देते हैं। क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि इतने सालों में हम लोग अच्छे से जान गए कि अपडेट के नाम पे सिर्फ साइज बड़ा करते हैं फोन का और पैसों का, बाकी पब्लिक किसी भी फीचर के लिए रोते रहने कोई मतलब नहीं होता। शर्म करो रे सालो। खैर इस बार इन लोगों ने आईफोन में काफी बड़े चेंजेस लाए। जैसे इस बार इन्होंने नाइट कैमरा फीचर दिया है जिससे आप अंधेरे में ही फोटो क्लिक कर सकते हैं। नहीं इनकी बहन का भरोसा मारू, मुझे ये बताओ हमारे घर में लाइट नहीं है क्या? नहीं या फिर जो आईफोन परचेस कर सकता है वो इन्वर्टर भी परचेस कर सकता है, क्यों अंधेरे में जाके फोटो खींचेगा यार? आपने बहुत बड़ा तीर मारा उसको ऐसा करके। दूसरा फीचर इन्होंने ये दिया है कि इनके पुराने वाले आईफोन के मुकाबले ये वाला आईफोन एक घंटा ज्यादा चलेगा। देवा, देवा, देवा। मतलब इन्होंने बैटरी की पावर को एक घंटे ज्यादा बढ़ा दिया है। मतलब पहले मुझे आईफोन और पावर बैंक साथ में चार्ज करना पड़ता था, लेकिन इस बार मुझे ये बेनिफिट है कि पहले मैं फोन को चार्ज कर सकता हूँ उसके बाद मैं पावर बैंक को चार्ज कर सकता हूँ। मस्त प्लान है। मतलब कुल मिला के अगर आपके घर में सिर्फ एक ही स्लॉट है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा होगा। तेरी माँ का जलिंदर मारूं। खैर इन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में फीचर्स को अपडेट किया जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको सही लगे तो ही करें। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आईफोन और दूसरी कंपनीज में अंतर क्या होता है। देखो दुनिया भर की कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के फोन बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग ने देखा कि ओप्पो ने 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है तो सैमसंग उसके कॉम्पिटिशन में 16 मेगापिक्सल का कैमरा निकालेगा, और सैमसंग को बीट करने के लिए एमआई 18 मेगापिक्सल का कैमरे वाला फोन निकालेगा। लेकिन ये सब कॉम्पिटिशन आम कंपनीज में होता है क्योंकि आईफोन इकलौती ऐसी कंपनी है जो खुद से ही कॉम्पिटिशन करती है। अरे यार पिछले साल हमने 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया था, इस साल हम 10 मेगापिक्सल का कैमरा दे देंगे। और बाकी की पब्लिक इनके फीचर्स और बैटरी से परेशान है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। क्या बनाते हैं, मजाक बना के रखते हैं ये लोग। और वाकई में ये लोग इतने प्यार से काटते हैं जिसकी कोई हद नहीं। इनकी एक मासूम सी शक्ल वाली आंटी आएंगी और बड़े प्यार से बोलेंगी ये वाला आईफोन पिछले वाले आईफोन के मुकाबले से $50 महंगा है। सिर्फ $50? मतलब पिछले आईफोन को लेने के लिए मुझे घर गिरवी रखना पड़ा था, इस बार के पूरा शहर गिरवी रखवाना चाहते हो? क्या बनाते हैं, मजाक बना के रखते हैं ये लोग। और ये लोग प्राइस को इस तरीके से डिसाइड करते हैं जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं 100-200 रुपए कम करके। नहीं मतलब 65,000 भी रख सकते थे लेकिन रखेंगे तो 64,900। नहीं सीरियसली 100 रुपए बचा के क्या करूं, ताज होटल खरीद लूं? बत्ती बनाओ इसकी, इसकी बत्ती बनाओ, अपनी डाल लो इसको। किसमें? में। अब अपन बात करते हैं आईफोन की इवोल्यूशन के बारे में। देखो शुरू के 4-5 सीजन में ये प्राइस के अलावा कोई भी चेंजेस नहीं लाए थे, हालांकि जैसे जैसे ये अपडेट लाते गए वैसे वैसे ये 3-4 चीजों को गायब करते गए। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ, हेडफोन जैक और किडनी। ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। ये फोन की खासियत ये है कि ये पब्लिक प्लेस पर आईने के सामने अपने आप निकल आता है, और इंडिया के लोग आईफोन को आईफोन नहीं आए हम अंबानी समझते हैं। मेन बात की जाए तो लोग आईफोन को सिर्फ शॉप के लिए खरीदते हैं, लेकिन इसको लेने के बाद इनको पता चलता है कि इनने सिर्फ किडनी नहीं खोई अपनी अकल भी खो दी है। इन द एंड इनको थकार के आईफोन के साथ एक एंड्रॉइड फोन लेना पड़ता है। साले कुत्तों की जिंदगी। हालांकि अगर मैं आईफोन के प्लस पॉइंट के बारे में बात करूं तो वो है इनका कैमरा। वाकई में इसका कैमरा बहुत ज्यादा क्लासिक होता है। बाकी के फोन्स के कैमरे सिर्फ आपकी फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन आईफोन का इकलौता ऐसा कैमरा है जो आपकी औकात को क्लिक करता है। सीरियसली बोल रहा हूं, अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सेट हुए हो, मतलब तुम्हारा रिलेशन फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ है, तो प्लीज भाई आईफोन से वीडियो कॉल मत कर लेना। मैं लिख के दे रहा हूं 101% तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। आईफोन 11 में इन्होंने जैसा कि 3 कैमरा दिए हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये 6 कैमरा ले आए, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि इनके 3 कैमरे को खरीदने के लिए आपको अपने बॉडी के कम से कम 3 पार्ट्स को बेचना पड़ेगा। सो देख लो जिंदगी चाहिए या स्वैग चाहिए, सह लेंगे थोड़ा सा। हालांकि लोगों के अंदर ये टेंडेंसी है कि अगर वो आईफोन को रखेंगे तो वो बच्चियों को सेट कर लेंगे। जैसे लड़की इनके हाथ में आईफोन देखेगी वो इनके प्यार में गिर जाएगी। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरे भाई तुमसे बड़ा तो कोई है नहीं इस दुनिया में। सुनो पहली बात, सीरियसली कहना चाहूंगा तुम किडनी बेचने से अच्छा अपना दिमाग बेच दो। नहीं क्या मतलब है रखने का, तुम्हारे शरीर का वजन ही बढ़ा रहा है ना। जिनको सेट होना होगा वो मेरी ऐसी शक्ल वालों से भी हो जाएंगी, और नहीं होना होगा तो ऋतिक रोशन से भी नहीं होंगी। समझ में आया क्या? देखो सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, आज के डेट में आईफोन को सिर्फ 2 ही लोग खरीद सकते हैं। पहले तो जिनके पिताजी ट्रैफिक पुलिस में हो, और दूसरे वो जिनके पिताजी आज की डेट में बिना हेलमेट और लाइसेंस के घूम रहे हो। तेरी माँ का जलिंदर मारूं। देखो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आईफोन बहुत ज्यादा बेकार फोन है, अगर तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है तो तुम ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे पास कोई और रास्ता है? सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सो ये था हमारा आईफोन 11 के ऊपर रेंट। कैसे दिया आपको है? नहीं दी अच्छा। हाँ तो कमेंट करके बताओ यार तुम कौन सा फोन चलाते हो, और अगर तुम आईफोन चलाते हो तो ब्रैकेट में अंबानी का रिश्तेदार लिख के आईफोन लिखना, और हैशटैग मत लगाना स्पैम में चला जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे हिसाब से ये बात ये पहुंचनी चाहिए, वीडियो पहुंचना चाहिए। शेयर करो इसको व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से,
जैसे भी हो सके इसको शेयर करो। तो यार अगर तुम मेरे से कनेक्टेड होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आके मेरे को फॉलो कर सकते हो @samradbhaiofficial मेरी ऑफिशियल आईडी है। नकलचियों से सावधान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना सम्राट। बॉम्बे आया था बिजू भाई को मिलने के, बिजू भाई तो मिले नहीं, पर नेक्स्ट टाइम इस बॉम्बे सेंट्रल इस ऑन कमिंग दिस बॉम्बे सेंट्रल इस नेक्स्ट टाइम इस डेड लक इस द नेक्स्ट टाइम इस